हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट अद विशाल। गाइस, आज का टॉपिक आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत भाई बार बार पूछ रहे थे, भैया आप बताओ सिक्स सिटिंग कैसे करें, जब वो मैच में खेलते हैं नेट्स में बैटिंग करते हैं तो छक्के नहीं लगते हैं, तो कैसे आप छक्के लगा सकते हैं। तीन टिप्स दूंगा, तीन बड़ी बातें बताऊंगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपने अब तक नहीं सुनी होगी किसी यूट्यूब वीडियो में जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और गाइस, आपको जो सेकंड वाली टिप्स दूंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और आपकी बैटिंग भी चेंज होगी, और इस वीडियो के बाद आपके सिक्स लगने भी स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, और ड्रिल भी साथ साथ बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत कुछ है इस वीडियो में आपको सीखने के लिए और छक्के लगाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको ये तीनों टिप्स दूंगा गाइज, आपको ये इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। मतलब आपको अपनी बैटिंग में, जब आप बैटिंग करोगे तो इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी जब जाके सीखोगे। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, आप ऐसे ही बोलोगे भैया हेल्प नहीं हो रही है मेरी वीडियो से, गाइज कभी हेल्प नहीं होगी। जिन भाइयों को हेल्प होती है वो कमेंट भी करते हैं, तो गाइज आप अच्छी तरह इंप्लीमेंट करो, मैं गारंटी बोल रहा हूँ फिर हेल्प होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या जरूरत है गाइज, जब भी आप सिक्स मारने की अपनी प्रैक्टिस करते हो तो सबसे पहले आपकी दोनों हाथों में पावर होनी चाहिए, सबसे ज़रूरी वही है। आप देख सकते हो वेस्ट इंडीज़ के सारे प्लेयर उठा के देख सकते हो गाइस, पावर कितनी है सब में, सब लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। और पावर के साथ एक चीज़ और चाहिए, वो क्या होता है गाइस, आपको टाइम करना है बॉल को, जैसे हार्दिक पांड्या करते हैं। बॉडी में ज़्यादा आप देखते हो स्ट्रेंथ नहीं दिखती है, पर टाइम करते हैं, अच्छे से टाइम करते हैं, और साथ में बैट स्पीड। तो अब करना क्या है, उसके लिए मैं पहली ड्रिल आपको बता दूं, जो पहली आपको टिप दे रहा हूं। सबसे पहले इन चीज़ों के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले टाइम करने के लिए आपको हाथ में पावर लाने के लिए क्या करना है, आपका सिंगल हैंड आपका हाथ है, इससे आपको ड्रिल करनी है। ड्रिल करोगे कैसे, आपको खड़ा होना है ऐसे, जैसे सिंपल मैं खड़ा हूँ ऐसे खड़ा रहना है। दूसरा हैंड का यूज़ नहीं करना है, ये हाथ होगा आपका पीछे, सिर्फ आपको इस बैट से बैट पकड़ना है और बैट चलाना है गाइस आगे की साइड, अपना बॉडी वेट आगे करके, जैसे आप खड़े हो स्टांस लिया आपने, बॉल को सामने देखना है और ये बैट आपको पूरा घुमाना है, आपको ऊपर पकड़ के पूरा बैट स्विंग करना है। यहाँ से आप लाओगे और पूरा बैट आपको स्विंग करना है, पूरा जाएगा आपका, जैसे आप देख सकते हो मेरा ये हाथ का यूज़ नहीं होगा, स्टांस लेके ये स्टांस और पूरा आपको स्विंग करना है, पूरा स्विंग हो रहा है, फिर पीछे गए आगे। इसके फायदे आपको बता दूं, इसका फायदा क्या है गाइस, फोर आर्म्स में मैंने अभी दो ड्रिल किया आपके सामने, फोर आर्म्स में पावर आने लगी, मतलब लग रहा है कुछ स्ट्रेच हो रहा है, तो इससे आपके फोर आर्म्स और एक हाथ में पावर आ जाएगी, बहुत फायदे हैं इस ड्रिल के। और अपर हैंड का बहुत बड़ा रोल होता है जब आप बैटिंग करते हो, ये हमेशा आपका टाइट रहेगा। जब भी आप बैटिंग करोगे, आप स्टार्टिंग में खेल रहे हो एंड में खेल रहे हो, ये हाथ आपका हमेशा टाइट रहेगा, इससे आपकी पावर आनी स्टार्ट हो जाएगी। और हमारे शॉट से क्या होते हैं गाइज, जो बैट आपका ऐसे उठ जाता है ना, इसका ये फायदा होता है ये नीचे रखता है, बॉल ज़्यादा उठती नहीं है, बॉल नीचे ही रहती है इससे, तो ये ध्यान रखना है, और पावर भी अच्छी जाएगी, ये हमेशा ही टाइट रखना है। अब आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा काम होता है पिछले वाले हाथ का, इस वाले हाथ का, इससे आपको ड्रिल कैसे करनी है, आपको सिंपल ऐसे खड़ा होना है, जैसे आप खड़े हो ये हाथ आपका पीछे जाएगा, और आपको सेम स्टांस लेके इसको पूरा ऐसे स्विंग करना है, और वन पे आपको सामने देखना है, टू पे आपको नीचे देखना है, थ्री पे जैसे वन पे स्टांस हो गया, टू पे बॉल नीचे है। और इसमें ध्यान क्या रखना है, हम ये किसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस बॉल के लिए, जो बॉल आपकी आगे आएगी रेंज में आएगी, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो आपके एरिया में बॉल पड़ेगी, जैसे इस एरिया में बॉल आ रही है तो उसके लिए पैड निकालना है, और फिर उस नीचे शोल्डर डाउन करके फिर आपको पूरा खड़ा होना है, पहले वन पे ये रहेंगे, टू पे शोल्डर डाउन, बैट पीछे गया जिसमें हमारी बैकलिफ्ट जाती है, और फिर आपको पूरा स्विंग करना है और कोशिश करना है बैलेंस रहे बॉडी। और गाइस आपको इसके सेट कितने करने हैं, एक हाथ से आपको 20-20 करने हैं, मतलब आप जब इससे पहले हाथ से करोगे तो 20 करने हैं शोल्डर डाउन करके, और फिर दूसरे हाथ से आपको 20 करने हैं। इस हाथ से नेचुरल पावर होती है आपको, पर इससे भी ट्राई करना है, और ध्यान रखना है बैलेंस। अब आपको बता दूं, जो मैंने पहले आपको बोला था, जो दूसरी टिप है सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, बॉडी बैलेंस। छक्के मारने के लिए अगर आपका बॉडी बैलेंस सही है और आपका हेड स्टील है, तो मैं गारंटीड बोल रहा हूँ आपको छक्के लगाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, छक्के लगाने के लिए आपका कभी भी बॉडी बैलेंस लूज़ नहीं होना चाहिए, मतलब आपका बॉडी बैलेंस इधर उधर नहीं होना चाहिए जब भी आप सिक्स लगाओगे, या आपका हेड नीचे नहीं गिरना चाहिए, और हमेशा बॉल मिडिल होनी चाहिए बस। अगर आप ऐसे ध्यान रखोगे तो कभी भी आपको सिक्स लगाने से कोई नहीं रोक सकता। तो कैसे बोल रहा हूँ, जब भी ऐसे स्टांस लोगे, ऐसे मैं खड़ा हूँ, तो आप जब भी सिक्स लगाओगे तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, आप शॉट मारते हुए कभी भी अपना हेड नीचे मत डालो, हेड आपका सामने रहेगा, और कोशिश करना है बैट को मिडिल करना है, बॉल को मिडिल करना है, और हेड को नीचे नहीं गिरने देना, ना इधर ना उधर। अगर हेड गिर गया, अगर आपका शॉट लगाते हुए बॉडी बैलेंस नहीं है, बॉडी पीछे है, या बॉडी ज़्यादा सोचा आपने डाउन करके, आप छोटी बॉल खेल रहे हो, मतलब ये पीछे बॉल है और आपकी बॉडी डाउन ही है, आप पीछे नहीं गए हो, और
या आपका हेड इधर उधर है तो कभी भी आप सिक्स नहीं लगे। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको जितना कंफर्ट जोन में सिक्स लगाना है, तो उसके लिए आपको बॉडी हमेशा बैलेंस रखनी पड़ेगी अपनी, हेड अपना स्टिल रखना पड़ेगा और बॉल पे आना है, ये ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उसके लिए आप क्या डील कर सकते हो, जब भी आप सिक्स हिटिंग की प्रैक्टिस करो, मैंने एंड्राम के लिए बनाया और राम के लिए भी, उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हेड स्टिल और बॉडी आपकी कभी ना बिगड़े। जैसे आप यहाँ से हिट कर रहे हो तो आपको पता है बॉल आगे है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है बॉडी आपकी बैलेंस रहे, बैकलिफ्ट ऊपर, हेड बॉल पे रहे, मतलब हेड आपका स्टिल रहना चाहिए जब आप सिक्स लगाओ, और फिर आपको बॉडी पूरी शेप में रखनी है। अगर बॉडी शेप में तो आप लंबे लंबे सिक्स लगाओगे और हेड स्टिल है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है ये, इसलिए मैंने टू पे आपको पहले ही बताया था। अब आपको बता दूंगा इस तीसरी, अब आते हैं गाइस तीसरी टिप पे, आप हमेशा अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो। छक्के अगर मारने तो माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब आपको अगर सिक्स हिटर बनना है, आपको मतलब छक्के मारने वाला बनना है, तो हमेशा आपको ये सोचना चाहिए अगर आप आउट भी हो जाओ कि नहीं मुझे अपना गेम वही रखना है, मतलब अगर आपको मारने वाली बॉल मिले तो मारना है। स्टार्टिंग में आपसे नहीं लगेगा, आप सोचोगे मैं आउट क्यों हो रहा हूँ, पर आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। आज आप देख सकते हो जो भी अच्छे हिटर है, किसी को भी उठा के देख लो, उनका गेम अब तक ऐसा ही है। आप ऋषभ पंत को देखते हो, आप उसमें हाँ थोड़ा अपना अच्छा कर सकते हो उसको, आपको वेट कर सकते हो कि कौन सी बॉल मारने की आपको चूज़ करना है। जैसे अगर आप माइंडसेट चेंज कर दोगे नहीं मुझे डिफेंसिव खेलना है, तो आप नहीं मरोगे। अगर आपको मारने की बॉल मिल रही है, आप कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो, आप बड़े बड़े हीटर ले सकते हो, वीरेंद्र सहवाग ले सकते हो, टेस्ट मैच में क्या किया, आप ऋषभ पंत ले सकते हो कैसे खेलते हैं, आप एंडर रसल ले सकते हो कैसे खेलते हैं, क्रिस गेल ले सकते हो, सबके माइंडसेट पढ़ के देखो, उनका माइंडसेट ऐसा ही कोई सही गेम भी खेले, तो आपका भी माइंडसेट ऐसे ही रखना है। और आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप सब बॉल घुमा रहे हो, आपको बॉल चूज़ करनी है। जैसे ऋषभ पंत अपना गेम कितना चेंज लाए, तो यही आपको चूज़ करना है कि कौन सी बॉल आपके रेंज में है, जब भी आपको बॉल घुमाना है। अगर आपको लग रहा है 10 ओवर बचे हुए मेरी रेंज में बॉल नहीं है, तो रुकना है। ये आएगा कैसे, जब आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सिक्स मारने की, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी मेरे रेंज की बॉल है, कौन सी मेरे से दूर है, उसको आप रोक सकते हो। तो यही छोटी छोटी बात है, पर छक्के मारने के लिए बहुत ज़रूरी बातें हैं। जोन सी आपके रेंज में नहीं है, टाइम लो, अगला लगा सकते हो। एक ओवर में अगर आप दो भी छक्के लगाते हो तो गाइस बहुत अच्छे हिटर माने जाते हैं, दो छक्के और बाकी सिंगल ले रहे हो तो 12-15 रन का ओवर बैठता है, और दो छक्के लग जाते हैं जब आप T20 खेलते हो, मतलब जब अगर आपको हिटर बनना है तो दो छक्के कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई भी बॉलर हो वो लूज बॉल फेंकता जरूर है, तो आपको यही कैलकुलेट करके खेलना है कि कौन से बॉलर को मुझे टारगेट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्रिस गेल देखो, जो थोड़े लूज बॉलर होते हैं उनको ही टारगेट करते हैं, उनको ही सिक्स लगाते हैं बड़े बड़े, तो आपको भी ऐसे ही देखना है कौन से दूसरी टीम में लूज बॉलर है, उसको आपको टारगेट करना है। और जब भी जाके आप मोटिवेशन आपको मिलेगा जब आप छोटे बॉलर को मारोगे, फिर आप धीरे धीरे अच्छे बॉलर को भी मारना स्टार्ट कर दोगे। ये छोटी छोटी टिप है पर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छा हिटर बनना है, अच्छा बैट्समैन बनना है। तो गाइज मेरी वीडियो से आपको हेल्प होती है, तो लाइक किया करो, मोटिवेशन मिलता है जब आप एक एक लाइक करते हो, कमेंट करते हो, और इंस्टाग्राम पे भी आपका सपोर्ट चाहिए, 10K होने वाले हैं, वहाँ पे भी अपना सपोर्ट दिखाओ। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।